स्वागत आप सभी का एलसी ट्रैवलर्स में। अभी हम लोग हैं बोध गया, ये दो अलग अलग जगह है। तो सबसे पहले हम लोग गया जाएंगे, इसके बाद आएगा बोध गया। ये दोनों डिफरेंस 13 किलोमीटर के आसपास का है। ये वाला जो आपके सामने दिख रहा है वो पुराना बाबा बैद्यनाथ मंदिर है, बहुत ज़्यादा ही पुराना। तो हम लोग पहले देख ले, यहाँ पे बहुत सारे वैसे मंदिर है, बड़े थोड़ा अच्छा लगा तो हम लोग ज़रा इसका वीडियो दिखा दें अंदर क्या हाल है। अगर आप देख लो अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम लोग चलेंगे विष्णु मंदिर की तरफ। और ये वाला है मेन विष्णु मंदिर, है आपको दिखाता हूँ। और इसका जो आपका पूरा डिटेल है आपको मैडम बताएगी, नविता मैडम, उसकी आवाज आप सुन लो। धन्यवाद आपका। तो आओ दोस्तों, एलसी ट्रैवलर्स में आप सभी का स्वागत है। ये वाला जो मंदिर आप देख रहे हैं यही है विष्णु मंदिर। गया बिहार के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है। यह शहर खासकर हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ का विष्णुपद मंदिर पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। दंतकथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के पांव के निशान पर इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। हिंदू धर्म में इस मंदिर को अहम स्थान प्राप्त है। गया पितृदान के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहां फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करने से मृत व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। गया मध्य बिहार का एक महत्वपूर्ण शहर है जो गंगा की सहायक नदी फल्गु के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह बोधगया से 13 किलोमीटर उत्तर तथा राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहाँ का मौसम मिला जुला है। गर्मी के दिनों में यहाँ काफी गर्मी पड़ती है और ठंड के दिनों में औसत सर्दी होती है। मानसून का भी यहाँ के मौसम पर व्यापक असर होता है, लेकिन वर्षा ऋतु में यहाँ का दृश्य काफी रोचक होता है। कहा जाता है कि गयासुर नामक दैत्य का वध करते समय भगवान विष्णु के पद चिन्ह यहाँ पड़े थे, जो आज भी विष्णुपद मंदिर में देखे जा सकते हैं। धन्यवाद नमिता मैडम आपका, आपकी जानकारी के लिए। अभी हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं। मंदिर के जो मेन अंदर का साइड का ना शूटिंग अलाउड नहीं है, तो मैंने कैमरा साइड पे रखा हुआ था, तो थोड़ा बहुत आपको दिखाया। और बाहर से आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, फोटो निकाल सकते, प्रॉब्लम नहीं है। बट मेन मंदिर के अंदर का जो है अब फोटो वगैरह अलाउड नहीं है वहाँ पे। ये सारा जो भी आपको दिखा रहा हूँ मंदिर के सब बाहर का हिस्सा है, आप देख लो आराम से। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। अच्छा
ಮಡಕ್ಸಾಗರೆ ಕಸ್ತೈತೆ ಯೋಗನಿತ್ಯ ಬಾಳರೂಪ ರಮ Yeah.